फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान माता और पिता दोनों को ही अपने सारे चेकअप कराने चाहिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज का चेकअप। यदि आप नई नई माँ बनने वाली हैं और आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि डायबिटीज के प्रभाव से आपके शिशु पर भी काफी असर पड़े। इसीलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको वही बातों से परिचित कराने आई हूँ। टिप नंबर 1, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में मधुमेह बच्चे को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं और उसके आंतरिक अंगों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप डॉक्टर से उचित परामर्श जरूर लें। नंबर 2, शिशु का वजन बढ़ना। यदि आपको मधुमेह है और आप माँ बनने वाली हैं, तो हो सकता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का वजन बढ़ता चला जाए। ये वजन इस हद तक बढ़ जाता है कि कई बार डिलीवरी के टाइम पर माँ को बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है। यदि आपको प्राकृतिक प्रसव हो रहा है यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो ये बच्चे और माँ के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। टिप नंबर 3, समय से पहले बच्चे का जन्म होना। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डायबिटीज है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे का वजन गर्भ में ही हद से ज्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से प्रसव की सीमा पूरी नहीं हो पाती और ना ही उसकी अवधि पूरी हो पाती है। कारणवश आपका बच्चा समय से पूर्व ही पैदा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी ध्यान देने योग्य बातें जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। यदि आप गर्भवती हैं और आपको डायबिटीज है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।